हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल, योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। वेलकम टू पदल प्रो। वेल, कल काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन है IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का। सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। तो अभी आज के वीडियो में, आज के सेशन में हम इसी चीज़ की बात करने वाले हैं कि एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप डीमोटिवेट ना हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए। तो बेसिकली आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है, और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए। ऐसा नहीं है कि जो स्टूडेंट्स डीमोटिवेटेड फील करते हैं या जो नहीं करते हैं, हर किसी को। देखो, एग्ज़ाम से पहले एक होता है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो है हमारा लो हो जाता है, तो उसको वापस कैसे गेन करना है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सभी के सभी आपको बोलते हैं कि पेपर से पहले रिलैक्स करो। अभी आज का दिन आप क्या कीजिए, रिलैक्स कीजिए। बट सिर्फ मेरे कह देने से आप लोग रिलैक्स नहीं हो सकते हैं। सिर्फ मेरे कह देने से कि नहीं टेंशन मत लो, आपने जो तैयारी की है बहुत अच्छी की है, तो उससे कुछ होगा नहीं। मेरे कह देने से कि आप टेंशन मत लीजिए कि आपकी टेंशन दूर भाग जाएगी, नहीं ना। तो एक चीज़ जो आप सभी स्टूडेंट्स कर सकते हैं वो ये है, आप सभी स्टूडेंट्स ने मेहनत बहुत की है इस एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। आपका जो भी एग्ज़ाम होता है आप उसके लिए मेहनत करते हैं, तो आप इतना तो कर सकते हो कि आप ध्यान रखो ये चीज़। आज के डेट में थोड़ा सा अपने आपको टाइम दो, ठीक है, टाइम दो, और ये सोचो कि आपने कल के एग्जामिनेशन के लिए कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत की है आपने कल के एग्जामिनेशन के लिए। कल के एग्ज़ाम के लिए आपने इतना वेट किया है, पहले आप नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन आई, फिर अब पेपर आ चुका है, आपने बहुत मेहनत की है। तो जब आप अपनी मेहनत को याद रखोगे ना, तो इससे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर और कुछ हो ही नहीं सकता। आप ये सोचो कि मैंने हर रोज़ दिन में 8-8 घंटे पढ़ाऊँ मैं या पढ़ी हूँ, मैंने इसकी इतनी इतनी मेहनत की है, मैंने इस सब्जेक्ट के लिए इतनी मेहनत की है, मैंने इस पर इतना टाइम दिया है, वो सब वेस्ट नहीं होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ इस चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ इस एक दिन में कि हाँ आप इतना डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं और आप कल जाकर एग्ज़ाम में अपना 100% ना दे पाए। नहीं, ऐसा नहीं करना है। रिलैक्स करना है, टेंशन नहीं लेनी है। क्या सोचकर, कैसे टेंशन नहीं होगी, ये सोचकर कि आपने मेहनत कितनी की है। मेहनत तो अपनी हर किसी को याद रहती है, अपनी मेहनत तो कभी कोई भूलता नहीं है, कोई भी स्टूडेंट नहीं भूलता है। कितनी मेहनत की है आपने आज यहाँ तक पहुँचने के लिए, तो अब पीछे नहीं हटना है, अब डीमोटिवेटेड फील नहीं करना है, कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने देना है। अपने कॉन्फिडेंस को एकदम लेवल पर रखो और ये सोचो कि आपने जो किया है, जितनी तैयारी की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी की है, बहुत ही बढ़िया तैयारी की है। बस आपको यही सोचना है और ये सोचकर आप बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी, अब दूसरी बात, आज की डेट में, कल आप सभी का पेपर है, तो आज की डेट में ऐसा नहीं है कि आप सभी ये सोचे कि मैं आज 8 घंटे पढ़ लेता हूँ या 10 घंटे पढ़ लेता हूँ। नहीं, आज के दिन बहुत ज़्यादा पढ़ाई मत करो, ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, मत करो। ज़्यादा पढ़ाई करोगे फिर वही, हम अभी मैंने आपको पहला क्या बोला है, पहला पॉइंट ये है कि आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको दूर रहना है। अगर आज आप 8-10 घंटे पढ़ोगे, ठीक है, तो फिर आप रिलैक्स नहीं कर पाओगे, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और कहीं ना कहीं नींद की प्रॉब्लम भी होती है, होता है ना कि हाँ नींद नहीं आती है। तो अगर 8-10 घंटे पढ़ोगे, आपने कोई मॉक दिया आज की डेट में, तो क्या होगा, मॉक में अगर कम मार्क्स आए तो वहीं पर सिर पकड़ कर बैठ जाओगे कि अरे मेरे तो मॉक्स में अच्छे नहीं, आज नहीं आए कल मेरा पेपर है, ऐसा हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा पढ़ाई मत करो, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा मतलब प्रैक्टिस आप कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, ठीक है। तो मॉक आज के दिन में मत लगाइए, ठीक है, ये टेंशन हो जाएगी इस चीज़ की कि आज मेरे मॉक्स में अच्छे हैं, अच्छा आज अच्छे आए हैं तो कल, हाँ कल भी अच्छा हो जाएगा। नहीं, ऐसा मत सोचो, मॉक देना ही नहीं है आज की डेट में। आपके जो तीनों सब्जेक्ट्स हैं उनको थोड़ा 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 प्रैक्टिस कर लीजिए, सफिशिएंट है, ठीक है। तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, और नींद का तो आपको ख्याल रखना ही है, एकदम प्रॉपर साउंड स्लीप लेनी है आप सभी को, कोई टेंशन नहीं लेनी है, अपनी मेहनत को याद रखना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल रिलैक्स करो, आप सभी बहुत अच्छा एग्जाम देकर आओगे और इस साल बैंकर बनकर आओगे, ठीक है। तो चलिए, टेक केयर एवरीवन।